और बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूले का ऐलान हो गया है। पशुपति पारस नाराज हैं और उन्होंने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। खबर उपेंद्र कुशवाहा के भी नाराज होने की है, लेकिन सीट बंटवारे से आगे बढ़ते हुए एनडीए प्रचार अभियान के लिए एक्शन मोड में आ गई है। लंबी खींचतान, लगातार बैठकों का दौर, मुलाकातों का सिलसिला और खुद के लिए बढ़ चढ़कर सीटों की मांग। बिहार में लोकसभा के चुनावी समर से पहले ये सब कुछ हुआ। यही नहीं, कभी आंख दिखाई गई तो कभी जुबानों में तलखी के जरिए अपने कद का एहसास कराया गया। लेकिन एनडीए ने इन सभी वाकयातों से पार पाते हुए आखिरकार सारा मामला सुलझा लिया और कर दिया सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान। सभी 40 सीटों पर पूरा एनडीए की सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटें जीत कर आएंगी, ये हमारा विश्वास है। तो सीटों के बंटवारे के जरिए बीजेपी ने बता दिया कि लोकसभा के लिए बिहार में वो बड़े भाई की भूमिका निभाएगी और सबसे ज्यादा 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं बीजेपी से सिर्फ एक सीट कम 16 सीट पाकर जेडीयू को भी एहसास है कि उनकी मुरादें पूरी हो गई हैं। मैंने आपसे एक महीने पहले कहा था आप ही के चैनल कि हम 16 सीटें जीते थे, वो हमारी अमानत है और उसको हम सुरक्षित रखेंगे। आज सीटों का बंटवारा हुआ है और इस बंटवारे से पार्टी प्रसन्न है। एक दो सीटों की अदला बदली वो राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण होती है। नए फॉर्मूले में अधिक सीटों का दावा करने वाले जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी सिर्फ एक एक सीट पर ही संतोष करना पड़ा। लेकिन इस फॉर्मूले में अगर किसी की लॉटरी लगी है तो वो है चिराग पासवान, जिसकी पार्टी को 5 सीटें दी गई हैं, जिसमें हाजीपुर की वो सीट शामिल है जिसको लेकर चाचा भतीजे में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। दोनों अड़े थे और भतीजे ने ऐसी बाजी मारी कि चाचा के हाथ कुछ नहीं लगा। उन्होंने हमेशा कहा कि जब तक वो राजनीति में है उनका समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए रहेगा। ऐसे में उन्हीं प्रधानमंत्री के उस लक्ष्य 400 सीटों के उस लक्ष्य को पूरा करने की राह में वो रोड़ा बनेंगे, इस बात का जवाब उन्हीं को ही देना। तो सबसे ज्यादा उम्मीदवारों के ऐलान के बाद एनडीए ने बिहार में भी इंडिया गठबंधन पर पहली बढ़त बना ली है। सीटों को लेकर एक तरफ जहां गठबंधन में अब भी कांग्रेस और आरजेडी में तनातनी चल रही है, वहीं